दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक लैंडस्केप ड्रा करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हमने ट्री को शेप दिया है और पत्तियों को कैसे डिटेलिंग किया है। हमने इसमें चारकोल पेंसिल यूज किया है। चारकोल पेंसिल बहुत ही अच्छी होती है, डार्क होती है, बहुत ही स्मूथ और पेज पकड़ के चलती है, बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करने में, मुझे बहुत पसंद है। विशेषकर अगर आपको कलर नहीं करना है तो ब्लैक एंड वाइट के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सावधानी से यूज करना पड़ता है क्योंकि ये हाथ में लग जाता है और सिमट जाता है। तो इस तरह से मैंने ट्री को शेप दिया और पत्तियों को धीरे धीरे डिटेलिंग किया, आप इसको देख सकते हैं। फिर मैंने एक यहाँ पर एक फिगर ड्रा किया है, जो एक बैठा हुआ आदमी है, एक साथ में एक डंडा लिए हुए है। सावधानी से इसको ड्रा करना है क्योंकि ये ब्लैक चारकोल एक बार चल गया तो मिटने में दिक्कत होती है। फिर मैंने देखिए एक फ्लैट नदी का चित्र इसमें ड्रा किया है। फिर धीरे धीरे मैंने इसमें बैकग्राउंड में पहाड़ी को आकार दिया है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने घास को भी बनाया, फिर पीछे बैकग्राउंड में ट्री को मैंने ड्रा किया, उसको हल्का सा डार्क किया। फिर मैंने नदी में हल्का सा डेप्थ किनारे किनारे पर दिया और पानी को भी दर्शाया। इस तरह से घास का रिफ्लेक्शन पानी में देते हुए मैंने बैकग्राउंड में सामने कुछ घास डिटेलिंग किया, अच्छे से बनाया उसको। घास का शेप जो होता है, इससे बैकग्राउंड में एक जान आ जाती है, अच्छा लगता है लैंडस्केप। तो इस तरह से स्केच धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और मैंने इसके ड्रेस को भी डार्क किया और फिर बैकग्राउंड में भी जो दूर पेड़ है उसको मैंने छोटा बनाया, उसको हल्का सा सेट किया। फिर पीछे पहाड़ी हल्का सा डार्क में बनाया, उससे दूरी दर्शाती हुई कि हाँ ये दूर दिख रहा है। फिर बैकग्राउंड में पंछियों का मैंने चित्र, पंछियाँ उड़ती हुई दिखाई। पेड़ में कुछ इस तरह से कोडर है, कहीं शेड है, तो उस तरह से मैंने इसको ड्रा किया। दोस्तों, मेरी वीडियो पे आप नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संतोष आर्ट अकेडमी। इस तरह हम नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे और जिससे आपको सीखने में मदद मिलेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।